श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को ये एक चीज देता है, वह कभी गरीब नहीं होता है। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारिका में आपका आगमन हुआ है? तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं, फिर भी आप आज्ञा दे तो आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते हैं, जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछो। फिर नारद कहते हैं, हे प्रभु, एक स्त्री पुरुष से सबसे अधिक किस चीज की इच्छा रखती है? जब एक कन्या विवाह के बाद अपने ससुराल में जाती है तो वह अपने ससुराल वालों से तथा अपने पति से सबसे अधिक किस चीज की मांग रखती है? जो सुवर्ण, गहने, वस्त्र, भोजन आदि से भी बढ़कर है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की समस्त स्त्रियों का कल्याण छिपा हुआ है। आपके इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देवी नंदा की कथा में छिपा हुआ है। फिर देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, यह देवी नंदा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? मैं देवी नंदा के विषय में जानने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया करके आप मुझे देवी नंदा का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, देवी नंदा गुणवान मनोकामना को पूर्ण करने वाली गाय थी। केवल नंदा का नाम अपने मुख से लेने मात्र से ही पापों का नाश होता है। देवी नंदा की यह महान कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त दुखों का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवी नंदा महान पुण्यवान तथा समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाली साक्षात देवी है। इसीलिए आज मैं आपको इस महान नंदा की कथा सुनाता हूँ। इसीलिए आप ध्यान पूर्वक इसे पूरा जरूर सुनिए। फिर देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे देवी नंदा की कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल में पृथ्वी लोक पर चंद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा रहा करते थे। एक दिन महाराज चंद्रसेन रथ में बैठकर शिकार करने के लिए जाते हैं। जंगल में वे शिकार करने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें जंगल में झाड़ियों के बीच एक हिरनी दिखाई पड़ती है। महाराज ने तुरंत अपना बाण निकाला और उस हिरनी की ओर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरनी घायल हो गई और चारों ओर देखने लगी तो उसकी दृष्टि महाराज चंद्रसेन पर पड़ी। महाराज को हाथ में धनुष लेकर खड़ा हुआ देखकर हिरनी बोलने लगी, अरे दुष्ट, यह तूने क्या कर दिया? तुम्हारा यह कर्म पाप से भरा हुआ है। मैं निर्भय होकर इस वन में अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मुंह निरपराध हिरनी को अपने बाण का निशाना बनाया। तू बहुत निर्दय और क्रूर है। शास्त्र कहते हैं कि बच्चे को स्तनपान करती हुई स्त्री की ओर देखना भी महापाप होता है। तूने तो मेरी हत्या करने की चेष्टा की है, अब मेरी मृत्यु के बाद मेरे बछड़े का क्या होगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? हे निर्दयी राजा, तेरे इस पाप के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी क्षण कच्चा मांस खाने वाला व्याघ्र हो जा और इसी वन में तू निवास कर। उस हिरनी का श्राप सुनते ही महाराज चंद्रसेन के पसीने छूटने लगे और वह हिरनी से क्षमा याचना करने लगा। महाराज उस हिरनी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे कल्याणी, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। मैंने अनजाने में ही तेरा वध किया है। कृपया मेरी इस भूल को क्षमा करो और मुझे इस श्राप से मुक्ति की अवधि बताओ। फिर वह हिरनी कहने लगी, हे राजन, आज से 100 वर्ष बीत जाने के बाद इस वन में नंदा नाम की गाय आएगी, वही तुझे इस पाप से मुक्ति दिलाएगी। और फिर राजा तुरंत ही एक बाघ के रूप में बदल गया। उस बाघ का आकार बहुत ही बड़ा और घोर भयानक था।
वह बाघ उसी वन में काल के वशीभूत रहते हुए मृगों को, अन्य चौपाइयों को तथा मनुष्यों को भी मारकर खाने लगा। वह बाघ स्वयं की निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं फिर से कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा? इस बाघ की योनि में रहकर मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकते। एकमात्र हिंसा ही मेरी वृत्ति है, इसके द्वारा तो मुझे सदा दुख ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से कैसे मैं इस पाप से मुक्त हो पाऊंगा? जब उस वन में रहते हुए 100 वर्ष बीत गए, तब एक दिन वहां पर गायों का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। उस वन में घास और जल की विशेष सुविधा थी, उसी कारण से गायें वहां पर चरने के लिए आई थी। उस गायों के झुंड में एक बहुत ही सुंदर तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी, उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड की प्रधान थी तथा सबसे आगे निर्भय होकर वह चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछड़कर चरते चरते उस बाघ के सामने पहुंच गई। बाघ उस गाय को देखते ही खड़ा हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, हे गाय, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ चलकर आई है। उस बाघ के रोंगटे खड़े कर देने वाले निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को अपने बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया और वह रोते हुए अपने बछड़े के लिए हुंकार करने लगी। उस गाय को रोता हुआ देखकर वह बाघ बोला, अरे गाय, क्यों रोती हो? इस संसार में सभी प्राणी अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। तू खुद मेरे पास चलकर आई है, इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु आज ही लिखी हुई है। फिर तू व्यर्थ ही शोक क्यों कर रही है? अच्छा, तू बता, तू किस लिए रो रही है? उस बाघ की बात सुनकर नंदा ने कहा, हे बाघ, तुम्हें नमस्कार है, मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास आए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं कर रही हूँ। मेरी मृत्यु तो एक ना एक दिन होगी ही, किंतु हे बाघ, मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक बछड़े को जन्म दिया है। यह मेरा पहला बछड़ा होने के कारण वह मुझे बहुत प्रिय है। मेरा बछड़ा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है। घास तो वह खा नहीं सकता, इस समय वह घर में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित मेरी राह देख रहा है, उसी के कारण मुझे शोक हो रहा है। मेरे ना होने पर मेरा बछड़ा कैसे जीवन चलाएगा? मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटू और उसे कुछ उपदेश देकर अपनी सहेलियों से उसकी रक्षा करने का वचन लेकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छा अनुसार मुझे खा लेना। यदि मैं फिर से लौटकर नहीं आई तो मुझे वही पाप लगेगा जो माता पिता का वध करने से लगता है। जो सोते हुए प्राणी को मारता है, जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहता है, उन्हें जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा। इस पाप के भय से मैं पुनः लौटकर आऊंगी। नंदा की ऐसी शपथ को सुनकर बाघ को उस पर विश्वास हो गया और वह बोला, हे गाय, तुम्हारी इन शपथ पर मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे कहेंगे कि प्राण संकट में पड़ने पर विवाह में और गाय को संकट से बचाने में जो शपथ ली जाती है उसे तोड़ने पर पाप नहीं लगता, किंतु तुम इन बातों पर विश्वास मत करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी खुद को पंडित कहते हैं, वे तुम्हारी बुद्धि को भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है वे तुच्छ मनुष्य कुतर्क लगाकर तुम्हें शपथ तोड़ने के लिए भी कहेंगे, लेकिन तुम अपने वचन का पालन करना। फिर नंदा बोली, हे बाघ, तुम्हारा कथन सत्य है, मैं वचन का पालन अवश्य करूंगी। फिर बाघ ने कहा, हे गाय, अब तुम जाओ, अपने पुत्र से मिलो और उसे दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा अपनी सहेलियों से मिलकर शीघ्र ही लौट कर यहां आ जाओ। फिर वह गाय उस बाघ से आज्ञा लेकर वहां से चली गई। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी, वह अत्यंत दुखी भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा दुख था। जैसे ही वह घर पर पहुंची, जिससे अपने बछड़े की पुकार सुनी और वह दौड़कर अपने बछड़े के पास पहुंच गई और आंसू बहाने लगी। अपनी माता को रोता हुआ देखकर बछड़ा बोला,
हे माता, आज तुम अत्यंत डरी हुई दिखाई पड़ती हो, क्या हुआ? फिर नंदा बोली, बेटा स्तन पान करो, यह हमारी अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन नहीं हो पाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पी लो, मुझे अभी लौट जाना है। मैं बाघ को वचन देकर आई हूँ, भूख से पीड़ित उस बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, माँ तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूंगा, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना अच्छा है, तुम ना रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊंगा। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको उत्तम गति मिलेगी जो मातृभक्त पुत्र को मिलती है। अथ तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक का जीवन बहुत दुष्कर होता है। दूध पीने वाले बालक के लिए माता के समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के समान सुख तथा माता के समान देवता इस लोक में तो क्या परलोक में भी नहीं है। फिर नंदा ने कहा, बेटा मेरी मृत्यु नियत है, तुम वहाँ मत आना। जिसकी मृत्यु नियत है केवल उसी की ही होती है। तुम्हारे लिए मेरा यह अंतिम संदेश है, मेरे वचनों का पालन करते रहो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। जल के समीप अथवा वन में घूमते समय कभी प्रमाद ना करना, प्रमाद करने से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभ करके ऐसी घास को चरने के लिए कभी मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोभ करने से सर्वनाश हो जाता है। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठते हैं। और हर किसी पर विश्वास भी मत करना। लोभ, प्रमाद और हर एक पर विश्वास करना, इन तीन कारणों से प्राणी का नाश होता है। इन तीन दोषों का परित्याग करना चाहिए। बेटा जिसने एक बार विश्वास तोड़ दिया हो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जिस पर अधिक भरोसा हो उस पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करने से भय उत्पन्न होता है और विश्वास करने वाला ही नष्ट हो जाता है। दूसरों का तो क्या, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, यह कब साथ छोड़ जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तुम धर्म का चिंतन करो, मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सभी की मृत्यु होनी ही है। बेटा तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। इतना कहकर नंदा अपने पुत्र का मस्तक चाटने लगी और अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगी। फिर वह अपने पुत्र को निहारते हुए अपनी सहेलियों के पास चली गई और अपने सहेलियों को सारी हकीकत बता दी। नंदा कहने लगी, हे सखियों, मैंने जाने अनजाने में यदि तुमसे कोई भी अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। मेरे जाने के बाद मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बछड़ा दीन अनाथ और व्याकुल है, उसकी तुम रक्षा करना। मैं तुम्हें उसे सौंप रही हूँ, अपने पुत्र की भांति इसका पोषण करना। नंदा की बात सुनकर उसकी सखियों को बड़ा दुख हुआ। सभी सखियां आश्चर्य में पड़कर बोली, बड़े आश्चर्य की बात है। बाघ के कहने से सत्यवादिनी नंदा फिर से उस भयंकर बाघ के पास जाना चाहती है। स्वयं के प्राण बचाने के लिए शपथ और सत्य का त्याग करना चाहिए और शत्रु को धोखा देना चाहिए। सखियां बोली, हे नंदा, अपने बछड़े को छोड़कर तुम वहां पर मत जाओ। सत्य के लोभ से जो तू उस बाघ के पास जा रही है, यह तू अधर्म कर रही है। इस विषय में धर्मवादी ऋषि मुनियों ने कहा है, प्राणों पर संकट आने पर वचन का पालन ना करने से पाप नहीं लगता है। यदि झूठ बोलकर प्राणों की रक्षा होती है तो वह अधर्म नहीं, धर्म ही कहा जाता है। फिर नंदा कहती है, हे सखियों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी झूठ बोल सकती हूँ, किंतु खुद के प्राणों की रक्षा के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, यह अधर्म है। जीव अकेले ही गर्भ में आता है और अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। इसीलिए मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है, सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता।
स्वर्ग धर्म तथा मोक्ष सब सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जो अपना वचन तोड़ता है वह अपने सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर डालता है। सत्य ही अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और सत्य वचन, यह दोनों अगर तराजू पर रखे जाएं, तो सत्य का पलड़ा भारी होगा। सत्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। संपूर्ण आश्रय में सत्य का आश्रय ही श्रेष्ठ माना गया है। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो जाए, सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए। सत्य के उच्चारण से बड़ा पापी भी स्वर्ग में पहुंच जाता है, इसीलिए मैं सत्य का परित्याग कभी नहीं कर सकती। नंदा के ऐसे वचन सुनकर सखियां बोलने लगी, हे नंदे, तुम जगत के संपूर्ण देवताओं और दैत्यों द्वारा नमस्कार करने के योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग करना बहुत कठिन है। हे कल्याणी, इस विषय में हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम तो धर्म का पीड़ा उठा रही हो। तुम्हारे इस महान त्याग से हमें यह यकीन है कि तुम्हारा तुम्हारे पुत्र से वियोग नहीं होगा, क्योंकि जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है उस पर कभी आपत्ति नहीं आती। यमराज भी उस प्राणी के प्राण नहीं लेते हैं। उसके बाद सभी से मिलकर नंदा समस्त गौ समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ी। नंदा उस स्थान पर जा पहुंची जहां पर वह तीखी दाढ़ी वाला और भयंकर आकार वाला यह मांस भक्षी बाघ बैठा हुआ था। उसके पहुंचने के साथ ही उस गाय का बछड़ा बहुत तेजी से दौड़ता हुआ वहां पर आ गया और अपनी माता तथा उस बाघ के बीच में आकर खड़ा हो गया। बछड़े को देखकर वह नंदा गाय उस बाघ से बोली, हे बाघ, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम केवल मुझे खाकर अपनी तृप्ति करो, किंतु मेरे बछड़े को जीवन दान दो। फिर वह बाघ बोला, हे गाय, तुम तो बड़ी सत्यवादिनी निकली। हे कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। जो अपने वचन का पालन करता है, जो सत्य की राह पर चलता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। तुमने यहाँ से जाने से पहले जो वचन दिया था उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह यहाँ से जाकर कैसे लौट सकती है। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीवित नहीं लौट सकती थी। लेकिन मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैं तुम्हारे प्राणों को बख्श देता हूँ। आज से तुम मेरी बहन हो और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। हे कल्याणी, तुमने अपने आचरण से मुझ जैसे महापाप को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक टिका हुआ है, सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। हे देवी, जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे सभी धन्य हैं, कृतार्थ है, उन्होंने पुण्य प्राप्त किया है, उनका जन्म सफल हुआ है। गायों में ऐसा सत्य है, यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से घृणा हो रही है। अब मैं भी वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा मैं पाप से छुटकारा पाऊं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महापापी, दुराचारी और निर्दयी हूँ। पता नहीं इस पाप के कारण किस लोक में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे पापों से शुद्ध होने के लिए कौन सी तपस्या करनी चाहिए, उसे संक्षेप में बताओ। फिर वह गाय बोली, हे बाघ भाई, विद्वान पुरुष सत्ययुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान की तथा द्वापर युग में यज्ञ को उत्तम कहा गया है और कलयुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। सभी दानों में एक ही दान सर्वश्रेष्ठ है, वह है समस्त प्राणियों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है जो समस्त प्राणियों को अभय दान देता है। वह सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान ना कोई दान है और ना कोई तपस्या है। जिस प्रकार से हाथी के पैर के चिन्हों में सभी प्राणियों के पैर के चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार से अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। पुरुष को अपनी पत्नी की सदैव रक्षा करनी चाहिए,
जो पुरुष अपनी पत्नी को अभयदान देता है उसकी पत्नी 7 जन्मों के लिए उसी की हो जाती है। शरण में आई हुई स्त्री को अभयदान देना चाहिए। जिस पुरुष से किसी भी स्त्री को भय नहीं लगता वह पुरुष तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त करता है। जो कभी किसी स्त्री के साथ हिंसा नहीं करता, जो सदैव स्त्रियों की रक्षा करने में तत्पर रहता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। स्त्री का वध करने वाले को कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। इसीलिए पुरुष का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसे अभय दान दे। जिस व्यक्ति से सभी को भय लगता है, जो दूसरों में डर निर्माण करता है, जो दूसरों के साथ हिंसा करता है, वह सबसे बड़ा पापी है। और जो सभी से प्रेम करता है, सभी पर दया दिखाता है, जो सभी को अभय दान देता है, वह तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त करता है। यही परम कल्याण का साधन है जिसे मैंने संक्षेप में तुम्हें बताया है। फिर बाघ ने कहा, हे देवी, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के श्राप के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ था। तब से मैं निरंतर प्राणियों का वध कर रहा था, जिस कारण से मैं सारी बातें भूल गया था। इस समय तुम्हारे संपर्क से और उपदेश से मुझे फिर से सब कुछ स्मरण हो गया है। हे देवी, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तब वह गाय बोली, मेरे स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। फिर जैसे ही नंदा का नाम कान पर पड़ा, राजा चंद्रसेन श्राप से मुक्त हो गए और बाघ का रूप छोड़कर फिर से अपने पूर्व स्वरूप में लौट कर आ गए। फिर उसी क्षण नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्मराज उस स्थान पर आ गए और बोलने लगे, हे नंदा, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से आकर्षित होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म का वचन सुनकर नंदा ने यह वर मांगा, हे धर्मराज, आपकी कृपा से मैं अपने पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हो जाऊं। इस स्थान पर मौजूद जो सरस्वती नदी है वह मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और इसका नाम नंदा पड़ जाए। यह स्थान पर धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। इस प्रकार से वर मांगने पर धर्मराज ने तथास्तु कहकर वहां से अदृश्य हो गए और नंदा अपने बछड़े के साथ उत्तम लोक को चली गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस कथा के माध्यम से हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा दान अभय दान है। कभी भी अपने माता पिता, पत्नी, मित्र आदि के साथ हिंसा ना करें, सभी से प्रेम करें और संसार के सभी प्राणियों को अभय दान प्रदान करें। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। और यदि इस चैनल शर्मा स्टोरी नंबर 1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय गौ माता एवं जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।